और लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर तक हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। जी हां, देखिए योगी सरकार 2.0 में 52 मंत्रियों ने शपथ ली है और आज शाम तक कहा जा रहा है कि मंत्रालयों का बंटवारा भी किया जा सकता है। बुलडोजर मंत्रालय को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। योगी रखेंगे बुलडोजर की चाबी या किसी और को सौंपेंगे, ये भी देखना होगा कि कई जो अहम विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, क्या वो जिम्मेदारी किसी और के साथ भी शेयर होगी, ये भी देखना होगा। आज दोपहर तक आपको बता दें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। हालांकि कल जी हिंदुस्तान ने आपको तमाम वो विभाग बताए थे जो कि मंत्रियों को मिल सकते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो कि काफी ज्यादा अहम मंत्रालय, केशव प्रसाद मौर्य को मिलने की संभावना है। हालांकि वो चुनाव आ रहे इसके बाद पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया और इसके बाद भी सुगबुगाहट तेज है कि वो मंत्रालय उनको वापस जाएगा। और शिक्षा बेसिक एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्य को मिल सकती है, ऐसे तमाम वो नाम हैं। तो 52 मंत्रियों ने शपथ ली है, अब मंत्रालय विभागों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में योगी सरकार 2.0 का गठन हो गया है। मंत्री पद के बाद अब सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पुराने मंत्रियों के विभाग वही रहेंगे या बदलेंगे। इन सभी सवालों से आज पर्दा उठ जाएगा। आज सीएम योगी विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनका पुराना लोक निर्माण विभाग सौंपा जाएगा, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन सब के बीच पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है। वहीं बेबी रानी मौर्य शिक्षा मंत्री बनाई जा सकती हैं। सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास, धर्मपाल सिंह ग्राम विकास मंत्री, भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग मिल सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर दुग्ध विकास और पशुपालन संभालेंगे। अपना दल एस कोटे से मंत्री बने आशीष पटेल को प्रावधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है। खबर है कि गृह और औद्योगिक विकास समेत एक दर्जन से ज्यादा विभाग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे के बाद सीएम योगी कई बड़े निर्णय लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अधिक अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, आज मंत्रालय की जिम्मेदारी, आखिर विभागों का बंटवारा होगा, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? बतौर मुख्यमंत्री यूपी की बागडोर अब वो संभाल रही हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन जो अहम मंत्रालय हैं क्या किसी और के साथ ये जिम्मेदारी शेयर की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जो सूत्र है वो बताते हैं कि आज मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री बने हैं उनको विभागों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगा। विभागों के बंटवारे के बाद ही मंत्री जो है अपने विभागों में काम शुरू कर पाएंगे। हालांकि चर्चा ये है कि जिस तरीके से 2017 से 2022 तक मंत्रियों को विभाग दिए गए, उनकी रिपोर्ट कार्ड मिली है, उसके आधार पर अब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। अब मुख्य बात कर लेते हैं कौन सा बड़ा मंत्री क्या कौन सा विभाग पाएगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी में बीते 5 साल काम करते रहे, उस दौरान उनके काम को पार्टी और सरकार दोनों ने सराहा है। बड़े उपमुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम है, ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास ही रहेगा। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात करें, जल शक्ति बहुत बड़ी परियोजना है। बीजेपी की कोशिश यह है कि 2024 चुनाव में जब बीजेपी जाए तो जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके काम के जरिए लगभग 1,75,00,000 लोगों घरों को पानी पहुंचाया जाए। तो उस विभाग को अब कौन संभालेगा, क्योंकि वो जो यूपी में जो संभालते रहे हैं महेंद्र सिंह, अब वो मंत्री नहीं है। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनको ये जल शक्ति मंत्रालय दिया जाएगा। वहीं जल शक्ति मंत्री हो गए या फिर कहिए शिक्षा मंत्री, ये किसको बनाया जाता है इस पर भी सबकी निगाहें होंगे। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो नए चेहरे पहली बार विधायक चुनकर आए हैं उनमें से किस किस के चांस है इस बार उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है?
देखिए बिल्कुल लगभग जितने मंत्री बने हैं, कुंवर बृजेश सिंह की बात करें देवबंद से पहली बार मंत्री बने हैं, जयवीर सिंह की बात करें पहली बार मंत्री बने हैं, वहीं गुलाबो देवी की बात करें उन चर्चा है कि उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया जाएगा, बृजेश सिंह की बात करें तो चर्चा ये है कि उनको जो नगर विकास मंत्रालय है उसमें उनको भागीदारी मिल सकती है। देखिए जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उन पर कई बड़े चेहरे और नए चेहरे जिनको मौका दिया जा सकता है।